हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉक्स विद त्रिवेणिका। सो आज है हमारे इस सीरीज का लेसन नंबर 2 और आज हम बात करेंगे वर्ली बॉर्डर्स के बारे में और वर्ली आर्ट में गॉड और गॉडेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। हालांकि गॉड और गॉडेस का जो ये ट्रेंड है ये आज की मॉडर्न वर्ली में चलता है। सो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वर्ली का फर्स्ट टाइप था मैरिज चौक, जिसके अंदर दो तरीके के वर्ली आर्ट बनाई जाती है। सबसे पहला है देव चौक। देव चौक जो है शादी के टाइम पर घरों की दीवारों में बनाया जाता है। जब किसी के भी घर में शादी होती है वहाँ इसको बनाते हैं। इसकी मान्यता ये है कि दूल्हा दुल्हन को बुरी नज़र से बचाया जा सके। और ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये देव चौक की है। देव चौक स्क्वायर शेप का बनाया जाता है जबकि लगन चौक रेक्टेंगल शेप का बनता है। और फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा है पार्ट वो है लगन चौक। ये भी शादी के टाइम पर ही बनाया जाता है लेकिन इस पिक्चर को ज्योमेट्रिकल पैटर्न द्वारा बनाए गए बॉर्डर से पूरा किया जाता है। इसमें एक देवी है पालघाट देवी, इनको बनाते हैं और माना जाता है कि पालघाट देवी जी फर्टिलिटी की देवी हैं। सो बेसिकली जो मेन मोटिव है इन दोनों आर्ट फॉर्म का वो यही है कि दूल्हा दुल्हन को सुख समृद्धि मिले और उनका जो आने वाला टाइम है वो अच्छे से कटे। यही सब चीज़ें हैं, यही मान्यता है और इसीलिए इन दोनों आर्ट फॉर्म्स को बनाया जाता है। लेकिन हम आज की वीडियो में ना पहले बॉर्डर सीखेंगे कि बॉर्डर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें बॉर्डर्स नहीं आएंगे तो वर्ली आर्ट हमारे लिए सीखना कोई फ़ायदे की बात नहीं रहेगी। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा कि इसमें बॉर्डर्स ज़रूर बनाए जाते हैं और बॉर्डर्स भी एक अपना ब्यूटीफुल सा रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं फर्स्ट बॉर्डर बना रही हूँ और यहाँ पे ना मैं मोटा वाला बोल्ड मार्कर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे आपको क्या हेल्प होगी ना, इजीली विजिबल होगा और आप देख पाएंगे। सो यहाँ देखते ही देखते आपसे बातें करते करते मेरा फर्स्ट बॉर्डर रेडी हो गया है। जस्ट कुछ नहीं किया है मैंने, ट्राइंगल्स को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। इसको आप बारीक जब आउटलाइन दें तब इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एरो वाला डिज़ाइन है, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये वाले जो बॉर्डर्स हैं ना, मैंने अभी बताया ना, जहाँ पे आपको बारीक आउटलाइन देनी है वहाँ पे इनको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस ऑफ बॉर्डर यूज़ करते हैं वर्ली आर्ट में। एक बॉर्डर बनाकर काम नहीं चलता है, कॉम्बिनेशंस किए जाते हैं पतले बॉर्डर्स का, बड़े मोटे बॉर्डर्स का, बड़े डिज़ाइंस का, और जो फाइनली जो बॉर्डर बनाया जाता है उसमें एक अलग तरीके का डिज़ाइन होता है जिसमें एक झूमर टाइप का टंग रहा है ना, इस तरीके का। वो भी मैंने आप भी आगे इसमें शेयर किया है बॉर्डर। तो ये सारे जो बॉर्डर है ना, मिला जुला के इन सभी से वर्ली आर्ट को रेडी किया जाता है। तो आइए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ आगे के और बॉर्डर्स। तो अब ये वाला जो बॉर्डर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसकी आउटलाइन वर्क अलग है और फिलिंग वर्क अलग है। जैसे आउटलाइन मैंने बोल्ड मार्कर से की है और फिलिंग जो मैं इसकी करूँगी ना वो पतले पेन से करूँगी। तो ये एज इट इज़ इस तरीके से बनाया जाता है वर्ली आर्ट में भी, बाउंड्री ठीक दी जाती है और अंदर की फिलिंग जो है बहुत ही पतली की जाती है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसी तरीके के बहुत सारे बॉर्डर्स मैंने शेयर किए हैं। सो ये ना अलग ही लुक आपकी पेंटिंग को लेकर आएंगे। सो आइए जल्दी से आगे के भी देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब जो बॉर्डर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है। और आप एक बार इस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि जब आप किसी पतले बॉर्डर के साथ इसको बनाएंगे तो ये कितना ब्यूटीफुल लगेगा। देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल हमें पहले बेस लाइन उसकी रेडी करनी है और उसमें फाइन लाइंस उसमें फिल करनी है। इसके लिए जो वॉल पे, जब जो वाली आदिवासी होते हैं वो जब वॉल पे करते हैं तो वो मोटी ब्रश नहीं, बैम्बू स्टिक वो यूज़ करते हैं, तो उसको मोटे और पतले करके यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ करते हैं। और इसके बाद इसके नीचे हम झूमर टाइप का एक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे और वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जब भी आप कभी जाएंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वारली आर्ट किया हुआ होगा, तो इस तरीके का डिज़ाइन ना मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, पूरे गेट के जो बाउंड्री होती है उस पर ड्रॉ करते हैं, विंडोज़ पर ड्रॉ करते हैं, और जो अलमीराज होती हैं वॉल के अंदर जैसे गांव में बनाते हैं, सो उनकी बाउंड्री पे ड्रॉ किया जाता है इस डिज़ाइन को, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक लगता है। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये जो झूमर है वो तो टांग लिए हैं, लेकिन इसके नीचे जो ये लटकन है ना, ये अपना अलग ही रोल प्ले करती है। आपको इनमें से कौन सा बॉर्डर अच्छा लग रहा है ना, मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरा फेवरेट तो यही है झूमर वाला, क्योंकि मैंने ये कई बार देखा है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए आगे के बॉर्डर भी जल्दी से देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम अपना जो लास्ट बॉर्डर है वो भी आज देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने जितने इस पेज में बन सकते थे ना, मैंने आपको उतने शो किए हैं, लेकिन आप एम्पल अमाउंट ऑफ बॉर्डर्स रेडी कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटा सा सीक्रेट है जो कि वो मैं इस बॉर्डर के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पर मैंने जैसा नॉर्मल ट्राइंगल शेप किया और उसको जिगजैग लाइन से फिल कर दिया। सो यहाँ पर पता है, आप एक चीज़ देखिए, आप सारे बॉर्डर्स ध्यान से देखिए तो आपको एक ही चीज़ कॉमन आएगी कि ट्राइंगल और लाइन सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो मोस्टली हर बॉर्डर में यूज़ की गई हैं। सो यही बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, जो एलिमेंट हम वारली डिज़ाइन और ह्यूमन फिगर बनाने में यूज़ करते हैं ना भाई, वारली आदिवासी वही एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, वही शेप्स यूज़ करते हैं अपने हर डिज़ाइन में। बस अलग बात क्या है कि वो हर चीज़ को अलग खूबसूरती से पेश करते हैं, हर बिल्कुल अलग खूबसूरती से ड्रॉ करते हैं, और यही खासियत है वारली आर्ट। आप सारे बॉर्डर्स एक बार ध्यान से देखिए, देखिए सब में स्क्वायर, ट्राइंगल, लाइन और सर्कल। बस इसके अलावा आपको कोई भी इस तरीके का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको भी आप ट्राइंगल शेप में अगर बनाना चाहें इस तरीके से तो बना सकते हैं। तो यही खासियत है भाई वारली डिज़ाइंस की। तो चलिए, ये तो हमारा यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया है। अगर आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं छोटे सरफेस पे, तो पतला पतला बॉर्डर बनाइएगा, लेकिन कॉम्बिनेशंस ऑफ बॉर्डर ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक दो बॉर्डर ज़रूर आपको ड्रॉ करने, तभी वो जो ओरिजिनल इफेक्ट है वारली आर्ट का वो निकल के आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि गॉड और गॉडेस किस तरीके से बनाए जाते हैं वारली स्टाइल में। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर जो एलिमेंट्स है भगवान के वो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी फेस के फीचर्स एज यू नो वारली में हम नहीं ड्रॉ करते हैं, सो उसको हमें नहीं ध्यान रखना है ज़्यादा। बस बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज और एलिमेंट्स, इनका ध्यान रखना है। सो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा स्किप हो गया था मुझसे। जैसे दो लोग हैं और वो कोई काम कर रहे हैं एक साथ मिलके, तो वो हम यहाँ पे किस तरीके से शो करेंगे, तो ये मैंने छूट गया था लास्ट वीडियो में, तो मैंने सोचा इस वीडियो में इस पॉइंट को कवर कर दूंगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बेस पे आप कोई भी दो लोगों का वर्क शो कर सकते हैं, कुछ भी शो कर सकते हैं, कैसा भी वर्क शो कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने सिंपल दिखाया है कि एक डंडा उन्होंने दोनों ने पकड़ा हुआ है और बीच में कोई कपड़ा हैंग किया हुआ है, या कोई भी कुछ भी बना सकते हैं आप यहाँ पे। तो इस तरीके का ये पैटर्न है, ये भी बहुत ही चलता है वारली डिज़ाइन में, तो मैंने ये सोचा कि आपको इस वीडियो में दिखा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लॉर्ड कृष्णा जी से, कि कृष्णा जी को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। सो सिंपल सी बात है, हमारे कृष्णा जी की जो पहचान है वो बांसुरी से होती है। सो सिंपल, हमें इनको बांसुरी किस तरीके से होल्ड करवानी है ये हमें पता होना चाहिए। ऊपर मैंने यहाँ पे मुकुट शेप दिया है, वारली में इसी तरीके का मुकुट बनाया जाता है। ये बांसुरी उनके फेस तक ड्रॉ कर दी है मैंने, और इसके बाद जो लेग मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे कि आप ध्यान से कभी देखिएगा कृष्णा जी की पिक्चर को, जिस तरह बांसुरी बजाते हैं उसकी दूसरी तरफ उनकी बॉडी मूव होती है। इसके बाद हम दूसरे जो हम गॉड बना के मैं आपको दिखाऊंगी वो है गणेशा, लॉर्ड गणेशा जी। तो गणेशा जी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है उनका, जैसे हमें थोड़ी सी टमी मोटी होती है गणेश जी की, जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो उनका जो पेट है नीचे से गोल बनाया जाता है, और यहाँ पर ऊपर ईयर्स और फेस को दोनों को जॉइन करके इस तरह का शेप दिया जाता है, और फिर यहीं से इस तरह से सूंड को बना दिया जाता है। अब इनके हैंड में, एक हैंड में हम इन लड्डू खाते हैं, तो मोदक या लड्डू जो भी है वो यहाँ पे बना देंगे, और एक हैंड आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगी लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा किस तरीके से बनाते हैं। लॉर्ड शिवा का सिंपल है, जो बॉडी का जो शेप आएगी वो सिंपल आएगी, बस हमें एलिमेंट का ध्यान रखना है कि उनके नेक में हमें स्नेक देना है और उनके हैंड में त्रिशूल जिसमें डमरू टंगा हुआ है ये अपने हमें यहाँ पर शो करना है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है अगर हम किसी भी गॉड की इमेज बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको मधुबनी में ही बताया था कि एलिमेंट्स ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है, यहाँ थोड़ा सा स्टडी की ज़रूरत पड़ जाती है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लॉर्ड शिवा जी बना दिए हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ब्रह्मा जी बनाते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा ध्यान बस हमें रखना है कि ब्रह्मा जी जैसे कमल पे बैठे हुए रहते हैं उस तरीके से हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। नीचे वाला ट्रायंगल मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। पहले मैंने लोटस ड्रॉ किया है और उसके बाद मैंने उनके हैंड में एक में लोटस पकड़ाया है और ऊपर जो फेस हम बनाएंगे वो थ्री फेस हम किस तरीके से दिखाएंगे, दो सेमी सर्कल साइड से दिखाएंगे और एक कंप्लीट सर्कल सेंटर में दिखाएंगे। सो इस तरीके से हम ब्रह्मा जी की जो पिक्चर है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं वार्ली में। अब देखते हैं माँ दुर्गा, माँ दुर्गा जी को कैसे बनाया जाता है। सो सिंपल सी बात है, माँ दुर्गा जी यानी काफ़ी सारे हैंड्स होंगे उनके, आठ हैंड्स होंगे, आठ भुजाएं हमें यहाँ पे बनानी है। सो इसी चीज़ का ध्यान रखना है, मेन जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो जस्ट सेम रहेगा लेकिन हमें इस तरीके से बॉडी जो हैंड है वो निकालने हैं। यहाँ पे मैंने सिक्स ही बनाए हैं और इस तरीके से हम उनको भी ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी सर पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लारी जूरा टाइप का दिखाया है क्योंकि लेडी में बना रही हूँ यहाँ पे ये। सो इस तरीके से इनको भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब माँ लक्ष्मी जी को भी देख लेते हैं। मेन जो तरीका है वो वही है जैसे ब्रह्मा जी हमने बनाए थे। हमें सबसे पहले ऊपर का ट्रायंगल पूरा बनाना है, नीचे का हाफ बनाना है क्योंकि हमें नीचे लोटस ड्रॉ करना है और लोटस ड्रॉ करने के बाद हम अपनी पिक्चर को नीचे से कंप्लीट करेंगे पूरा। सो सेम प्रोसीजर है, बस वही है एलिमेंट्स का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पे माँ सरस्वती जी भी बना सकते हैं और सरस्वती जी का भी जो पोजीशन है वो सिटिंग पोजीशन वही सेम रहेगा बट एलिमेंट चेंज हो जाएगा, उनके हाथ में वीणा आ जाएगा। और माँ दुर्गा में आप दो हाथ और भी बना सकते हैं, उनके हैंड में एक आशीर्वाद देते हुए बना सकते हैं और उनके एक हैंड में आप कुछ फ्लावर पकड़ा सकते हैं, इस तरीके का भी ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर माँ सरस्वती जी का भी जो पोस्चर है वो कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए बताया है, जब आप अपनी पेंटिंग कोई बनाएं तो इसको प्रॉपरली ड्रॉ कीजिएगा तो बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा वर्क कीजिएगा, अगर आप कोई भी गॉड बना रहे हैं तो आसपास में जो बाउंड्री है वो इनमें से किसी भी बॉर्डर डिज़ाइन को यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो बहुत ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं और ये टोटली आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। सो कैसे लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से इस पिक्चर को जहाँ पे मेरे आइकन मेरी
फोटो आ रही है ना, सो क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।